हेलो माय डियर लर्नर, वेलकम इन स्काई क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लोरोप्लास्ट शेप इन एल्गी विद एग्जांपल। सो ऑलमोस्ट हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्लोरोप्लास्ट के शेप्स जो स्पेशली एल्गी में डिफरेंट होते हैं उनसे क्वेश्चंस आता है। सो इस वीडियो में हम इन्हें अंडरस्टैंड करेंगे और अपने एग्जाम के मार्क्स को सिक्योर करेंगे। ओके, सो क्लोरोप्लास्ट वी ऑल आर नो कि इट इज़ अ टाइप ऑफ अ प्लास्टिड एंड एल्गी में स्पेशली जो इनके डिफरेंट शेप्स होते हैं उन्हें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो द फर्स्ट वन इज स्पाइरल शेप। सो स्पाइरल शेप का जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्रेजेंट होता है स्पाइरो गायरा में। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सो एस से ही स्पाइरल होता है और एस से स्पाइरो गायरा होता है, तो मतलब कह सकते हैं कि इट इज़ अ ट्रिक हम यहाँ प्रिपेयर कर सकते हैं इसे। देन सेकेंड वन इज कप शेप एंड सी फॉर कप एंड सी फॉर क्लेमाडोमोनास। ऐसे वॉलवॉक्स में भी होता है तो आप कहेंगे वी तो नहीं होता, बट हाँ प्रिपेयर करने के लिए कर सकते हैं कि क्लेमाडोमोनास में ये प्रेजेंट होता है एंड साथ में वॉलवॉक्स में भी इसका शेप होता है कप शेप। ओके, ये सामने स्ट्रक्चर फॉर्म भी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसा है। ओके, नेक्स्ट वन थिंग इज हियर, थर्ड वन इज डिस्कॉइड शेप एंड ये प्रेजेंट होता है वुचेरिया या कारा, दोनों में प्रेजेंट होता है, ये वुचेरिया में भी होता है और कारा में भी होता है। गर्डल शेप यूलोथ्रिक्स में होता है। ओके, देन है रेटिकुलेट, रेटिकुलेट इज प्रेजेंट इन ओडोगोनियम एंड हाइड्रोडिक्टियन। सो टू एल्गी होती हैं ओडोगोनियम एंड हाइड्रोडिक्टियन जिसमें रेटिकुलेट शेप प्रेजेंट होता है। एंड देन लास्ट वन इज स्टेलेट शेप या स्टार शेप हम लोग बोलते हैं और ये शेप प्रेजेंट होता है ऑलमोस्ट जिग्मिया में। ओके, सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट शेप्स हम लोगों ने अंडरस्टैंड किए। इसके अलावा भी अगर मैं आपको बताऊँ ओरली ऐसे ही, सो यू नो व्हाट, प्लेट लाइक भी होता है जो कि हम बोलते हैं पिन्यूलेरिया में प्रेजेंट होता है और तो ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और साथ में हम लोगों ने बाकी जो भी इम्पॉर्टेंट है ऑलमोस्ट यहाँ पे डिस्कशन कर ही लिए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट शेप थे प्लास्टिड के या क्लोरोप्लास्ट के। होपफुली दिस शॉर्ट वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।